थ्री पावर ए इंटू सिक्स पावर बी इजकल टू टू पावर फाइव हो तो ए प्लस बी का मान कितना होगा। तो चलिए इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, सॉल्व करें। थ्री पावर ए इंटू सिक्स को कितना लिख सकते हैं हम, टू इंटू थ्री पावर बी इजकल टू टू पावर फाइव इतना लिख सकते हैं। और ये एक फार्मूला होता है n इंटू एम पावर ए हो तो इसको हम लिख सकते हैं n पावर a इंटू एम पावर a, उसी फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये हो जाएगा थ्री पावर a इंटू टू पावर b इंटू थ्री पावर b इजकल टू टू पावर फाइव इतना लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर a थ्री पावर a इंटू थ्री पावर b इंटू टू पावर b इजकल टू टू पावर फाइव है, तो ये दूसरा फार्मूला यहीं पर हमारा यूज हो जाएगा कि x पावर m इंटू x पावर m हो तो उसको हम लिख सकते हैं x पावर m प्लस n। तो ठीक वही फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा थ्री पावर a प्लस b इंटू टू पावर b इजकल टू इसको हम लिख लेंगे टू पावर फाइव। और इस साइड में देखिए यहाँ पर टू पावर बी है तो यहाँ पर टू पावर फाइव आ गया, लेकिन यहाँ पर थ्री का कोई पावर नहीं है तो हम यहाँ पर थ्री पावर जीरो लिख लेंगे, क्योंकि किसी वैल्यू की पावर जीरो अगर रहता है तो उसका वैल्यू जो आता है वो वन हो जाता है। यहाँ पर कोई भी एन पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू वन हो जाता है। ये थर्ड फार्मूला होता है। तब दोनों पक्षों का हम लोग तुलना कर दें, यहाँ पर लिख लें दोनों पक्षों का तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो थ्री पावर ए प्लस बी तो यहाँ पर थ्री का पावर क्या है जीरो ये वाला, और टू पावर बी तो यहाँ पर टू पावर फाइव है तो बी का वैल्यू फाइव हो जाएगा। और तुलना करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी इजकल टू जीरो हो जाएगा, और हमसे इसी का वैल्यू पूछा है कि कितना होगा तो ये हमारा आंसर जीरो हो जाएगा। बस सिर्फ b का वैल्यू पूछा होता तो b का वैल्यू 5 होता, तो हमसे a प्लस बी का वैल्यू पूछा है तो a प्लस बी का वैल्यू जीरो होगा। अब आगे क्वेश्चन है x a पावर x इक्वल टू b पावर y इक्वल टू c पावर z तथा b अपन a इक्वल टू c अपन b हो तो 2 माइनस y अपन z का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबके बराबर जीरो दिया है तो हम यहाँ पर इसी से लिख लेंगे x पावर a इक्वल टू k, और क्योंकि सबका वैल्यू इक्वल है b पावर y इक्वल टू k एंड c पावर z इक्वल टू k, क्योंकि यहाँ पर सबका वैल्यू बराबर दिया तो कुछ ना कुछ सबका वैल्यू मान ले रहे हैं कि बराबर k होगा। तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू k पावर a, पावर इधर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा वन अपॉन x, और यहाँ से हो जाएगा b इक्वल टू k पावर वन अपॉन y, और यहाँ से c इक्वल टू हो जाएगा k पावर वन अपॉन z। अब वैल्यू यहाँ पर भी दिया हमको b अपॉन a इक्वल टू c अपॉन b, तो ये हम वैल्यू रख दें यहीं पर, यहीं पर रख रहे हैं वैल्यू। तो b का वैल्यू हमारा यहाँ पर आया है k पावर y, यहाँ पर b अपन a इजकल टू c अपन b, इसमें वैल्यू रखें सब पर, तो b का वैल्यू आया है k पावर 1 अपन y, तो k पावर 1 अपन y अपन a का वैल्यू जो है वो k पावर 1 अपन x इजकल टू c, c का वैल्यू कितना है k पावर 1 अपन z अपन बी, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर है के पावर वन अपन वाई। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर ले और इसका मल्टीप्लाई कर, तो ये हमारा हो जाएगा के पावर वाई बाई टू का होल स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इस साइड में कर दें तो ये के पावर वन अपन एक्स प्लस वन अपॉन जेड हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा के पावर
टू अपॉन वाई इजकल टू के पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड। और हमसे पूछा क्या है, टू माइनस वाई बाई जेड। चलिए यहाँ पर दोनों साइड का तुलना करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसका दोनों पक्षों का तुलना करने को, तुलना करने पर यहाँ से दोनों पक्षों का तुलना करें तो हमारा केस के कैंसिल हो जाएगा, टू अपॉन वाई इजकल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड, ये वैल्यू आए। अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू आनी चाहिए एक साइड में टू, इसका हम लोग इस साइड में मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा टू इजकल टू वाई का मल्टीप्लाई इधर करें तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो प्लस वाई बाई जेड, और ये इस वाले वैल्यू को इस साइड में जाएँ तो टू माइनस वाई अपान जेड, और यहाँ पर क्या बचेगा वाई अपान एक्स, यही आंसर हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू जो आएगा वो वाई बाई एक्स आएगा, और इसी का वैल्यू हमसे पूछा था कि टू माइनस वाई अपान जेड का वैल्यू कितना होगा, तो हमारा वैल्यू इतना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि टू पावर एक्स प्लस थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इजकल टू फिफ्टीन, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 पावर x इंटू टू पावर 3 माइनस 2 अपन ये डिवाइडेड बाय है तो इसको 2 लिख देंगे इक्वल टू 15, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 2 पावर x इंटू ए माइनस टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें 30 हो जाएगा, इसको इस साइड में लाकर ऐड कर दें तो 32 हो जाएगा, तो टू पावर एक्स इंटू एट इसका टू 32 एट फोर जाए 32, यानी टू पावर एक्स इजकल टू ये फोर पॉइंट लिख सकते हैं टू पावर टू, और दोनों पक्षों का तुलना करें, दोनों पक्षों का तुलना कर लें, तुलना करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसका मान कितना होगा, अब फोर्थ क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग लिख सकते हैं a पावर अंडर रूट a पावर माइनस वन इंटू बी इंटू बी पावर माइनस वन इंटू सी इंटू अंडर रूट सी पावर माइनस वन इंटू ए का वैल्यू कितना होगा, तो a पावर माइनस वन है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट बी अपॉन ए इंटू, ये बी पावर माइनस वन है तो इसको लिख सकते हैं सी अपॉन बी, बी को नीचे कर देंगे इंटू, ये वैल्यू दिया सी पावर माइनस वन इंटू ए तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन सी, अब अंडर रूट सब है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट सी। अब सबको कट कर दें, सी से सी ए कैंसिल हो जाए, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और बी से बी ए कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा 1 आएगा, यही आंसर आएगा।